सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ सचिन शुक्ला और आप देख रहे हैं ए टू जेड प्रैक्टिकल। सो फ्रेंड्स, आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो 11 का फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो हमारा है वो है यूज ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। क्लियर, कैसे एक्सपेरिमेंट करना है सारे सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि फ्रेंड्स, मैंने सारे केमिस्ट्री के फिजिक्स के सारे वीडियोस का एक प्लेलिस्ट है, आप जाके उसको चेकआउट कीजिए, आपको सारे वीडियोस विद आंसर मिल जाएंगे। क्लियर, सो चलो मैं क्या करता हूं, आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं ताकि आपको जरा भी डाउट नहीं होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सो चलो मैं आपको एक्सपेरिमेंट क्या करता हूं स्टार्ट करके दिखाता हूं। नंबर 2 है यूज ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। क्लियर, सो इसमें बेसिकली आप ये देख रहे हैं, ये डायग्राम है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एक्चुअली दिखता कैसे है। सो आप ये देख पा रहे हैं, ये मेरे पास है माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। क्लियर, आप ये देख पा रहे हैं, और मुझे बेसिकली यहाँ पे दो, आपको एक ग्लास प्लेट दिख रहा है, एक वायर दिख रहा है, मुझे बेसिकली ये दोनों का ना डायमीटर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? डायमीटर। आप ये स्क्रू गॉज देखिए, ये बिल्कुल आपको इसके तरीके से दिख रहा होगा, इसको स्टड बोलते हैं, इसको स्क्रू बोलते हैं, इसको ये जो ऊपर वाला है सर्कुलर स्केल बोलते हैं इसको, और इसको पिच बोलते हैं, ये जो अंदर वाला है आप देख रहे हैं ना, इसको पिच बोलते हैं। पिच मतलब यही हमारा मेन स्केल होता है, और कई कई बार वाइवा में आपको पिच के बारे में पूछा जाता है। तो पिच का बेसिकली यहाँ पे 0 से 1, 2, 3, 5 देख रहे हो, तो 2 सक्सेसिव बीच के लाइन का अंतर कितना होता है वो पूछा जाता है, तो वो 0.1 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? 0.1 का। क्लियर, सो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको यहाँ पे पूछा लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गॉज, तो मैं सभी आपको बताने वाला हूँ कि कैसे लिस्ट काउंट निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं। लेकिन पहले फटाफट मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि हमारा जो माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज रहता है वो तीन तरीके का रहता है। एक होता है हमारे पास जीरो एरर वाला, तो मैं आपको बता दूँ कि जीरो एरर वाला कैसा रहेगा। देख पा रहे होंगे ये जो मेन स्केल है, आप देख रहे हैं ये जीरो स्केल को बेसिकली को इंसिडेंट कर रहा है। आप देख रहे हैं आप, ये देखो, ये जो जीरो वाला लाइन है और ये जो अंदर वाला लाइन है ना, ये अंदर वाला, ये मेन स्केल है। तो आप देखिए ये जीरो वाला ना मेन स्केल को कैसे को इंसिडेंट करेगा। अभी ये यहाँ पे आपको जीरो देख रहे हैं, जीरो ये वाला जीरो, ये वाला जीरो को बिल्कुल को इंसिडेंट कर रहा है, मतलब बिल्कुल ऐसे को इंसिडेंट करेगा ऐसे। तो ये हमारा रहेगा जीरो एरर। क्या रहेगा? जीरो। एक देख पा रहे बिल्कुल जीरो को टच कर रहे हैं। देखते हैं कि पॉजिटिव एरर कौन सा होता है। तो पॉजिटिव एरर में बेसिकली ना क्या होता है पता है, ये जो सर्कुलेटिंग स्केल है ये जीरो के थोड़ा सा नीचे रहता है, मतलब ये जीरो के थोड़ा सा नीचे रहेगा तो ये हमारा जाएगा पॉजिटिव एरर। और अगर यही जीरो के जो तुम्हारा मेन स्केल होता है, मेन स्केल और ये सर्कुलेटिंग स्केल, तो सर्कुलर स्केल होता है वो जीरो के थोड़ा सा ऊपर रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव एरर। जैसे कि देख, ये बिल्कुल जीरो के अगर थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो ये नेगेटिव एरर हो जाएगा। अब ये जो इधर वाली जीरो दिख रही है, इधर वाली जीरो, अगर ये जीरो के नीचे रहेगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एरर। क्लियर, और ये होता है नेगेटिव और पॉजिटिव। फिलहाल जो मेरा है वो जीरो एरर वाला, आप देख रहे हैं ये जीरो इस जीरो को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल, तो मेन स्केल पे हमारा स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना होता है, वो है 1 मिलीमीटर में लिखा है। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? 0.1 सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं? 0.1। तो आप ये स्क्रू गॉज देख रहे हैं, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो ये मेन स्केल है, ये अंदर वाली जो है ना, ये इसको बोलते हैं मेन स्केल। तो इसके बीच का टू सक्सेसिव लाइन के बीच का डिफरेंस कितना है? 0.1 का है। कितने का है? 0.1 का। आते फटाक से अपना लिस्ट, इसमें नंबर ऑफ डिवीजन देखते हैं सर्कुलर स्केल में कितना होता है। तो आप देख रहे हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये हो गया 90, और उसके बाद क्या होता है 90 के बाद 100। तो 100 क्या होता है इसमें, नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग स्केल में हमारे डिवीजन होते हैं। अब आते हैं फ्रेंड जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है, लिस्ट काउंट। अब आते हैं अपने लिस्ट काउंट के ऊपर। तो लिस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करोगे? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। तो हमें पता है पिच हमारा कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर का, और नंबर ऑफ डिवीजन कितने इसमें? 100 है। तो इसको डिवाइड करके तो आपको मिल जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। यही होता है लिस्ट काउंट। फ्रेंड्स, आपको ये लिस्ट काउंट याद रखना है कि इस माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज गेज का जो लिस्ट काउंट होता है कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर। अभी हम इसको क्या करने वाले हैं, मैं आपको आगे के एक्सपेरिमेंट में बताता हूँ। फ्रेंड्स, अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं जीरो एरर, तो मुझे पता है कि इसका जीरो एरर जीरो ही है, 0 सेंटीमीटर। क्लियर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो मेन स्केल होता है और ये जो सर्कुलर स्केल है ये बिल्कुल जीरो पे क्या करता है? मैच करता है। क्लियर, ये मैंने आपको करके दिखाया है, जीरो पे क्या है? ये मैच कर रहा है, बिल्कुल जीरो पे कोइंसिडेंट करता है, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? जीरो एरर। क्या हो जाएगा? ये जीरो। तो चलो मैं फटाफट आपको रीडिंग दिखाता हूँ। पहले वायर का पूछा है और तीन ऑब्जर्वेशन है, तो मैं यहाँ पे एक वायर लेता हूँ। क्लियर, अब इसको आपको रीडिंग कैसे फाइंड आउट करनी है, आपको ये वायर लेना है और यहाँ पे ना इसको ऐसे लगा देना है, ठीक है, इसके बीच में। आपको ये दिख रहा है रेचेट, आपको रेचेट को क्या करना है? घुमाना है।
क्लियर, कब तक घुमाना है, जब तक इसमें से एक आवाज़ ना आ जाए। क्लियर, देखो ये खट करके एक आवाज़ आई, इसका मतलब ये क्या हो चुका है, यहाँ पे लॉक हो चुका है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर, और यहाँ पे रीडिंग देख सकते हैं। सो हमारा जो रीडिंग है वो बेसिकली कितना आ रहा है, यहाँ पे ये 0.1 हो गया, ये 0.2 हो गया, आ रहा है हमारा 0.2। उसके बाद पूछा है कोइंसिडेंट डिवीज़न ऑन दी सर्कुलर स्केल। अब कोइंसिडेंट डिवीज़न आपको दिखा दूँ, आपको कैसे दिख, ये आपको दिख रहा होगा 50, ये 55, ये 55 पे क्या है, ये जो सर्कुलर स्केल है वो मेन स्केल को ना कोइंसिडेंट कर रही है। क्या कर रही है, कोइंसिडेंट। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 55। अब आपको क्या है यहाँ पे कि सर्कुलर स्केल रीडिंग, तो आपको क्या करना है, बी इंटू लीस्ट काउंट। हमारा बी कितना है, यहाँ पे बी मतलब कोइंसिडेंट डिवीज़न आया है, तो ये 55 इंटू लीस्ट काउंट कितना है हमारा, 0.001। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, इसका आ जाएगा 0.055। क्लियर, अब देखते हैं ऑब्जर्व कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे डी जीरो लिखा हुआ है, तो कैसे निकालोगे, ए प्लस सी करोगे। देखो ये आपका ए है और ये आपका क्या है, सी। तो आपको क्या करना है, 0.2 को प्लस करना है किससे, 0.055। अगर ये आप टोटल प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा 552.0, मतलब 0.255। क्या मिल जाएगा आपको, 0.255। क्लियर, अब आप देखते करेक्टेड, तो आपको पता है कि हाँ मेरा जीरो एरर नहीं है ये। क्लियर, बहुत ही मतलब जीरो पे जो मेन स्केल था और जो सर्कुलर स्केल था दोनों जीरो पे कोइंसाइड था, तो कोई भी एरर नहीं था, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी 0.255, सेम आपको यहीं लिखना है। अगर आपको यहाँ पे ना कोई एरर रहता तो वो जहाँ पे मैच होता है ना, जैसे कि मान लो 0.3 पे मैच होता है, 4 पे मैच होता है, तो उतना आपको पॉजिटिव वाला, अगर पॉजिटिव एरर रहा तो माइनस करना पड़ेगा और नेगेटिव एरर रहा तो प्लस करना रहेगा। मीन बाद में देखते हैं, एक और रीडिंग लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने वायर गॉज लिया, वापस से इसको यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, और इसको आपको आपको हमेशा इसको घुमाना रहता है, इसको घुमाओगे और जैसे एक आवाज़ आएगा वैसे ही रोक दोगे। क्लियर, अब रोक दिए तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये कहाँ पे आ रहा है। तो बेसिकली वो पहले कितना ही आ रहा है, 1.2, मतलब 0.2 पर ही आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 0.2। क्लियर, और कोइंसिडेंट डिवीज़न कहाँ पे है तो देख लेते हैं। तो मेरा जो बेसिकली है अभी अभी इस टाइम का 65 पे आ रहा है। कहाँ आ रहा है इस टाइम का, 65। देखो ये 60 है, ये 65 है, ये बड़ी वाली लाइन दिख रही है। अब ये जीरो के क्या है, कोइंसिडेंट है। क्या है ये, कोइंसिडेंट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 65, 65। क्लियर, अब क्या करोगे, 65 में लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.065। क्लियर, अब आपको डी जीरो कैसे निकाला, मैंने आपको बता दिया है कि ए और बी को क्या करोगे, प्लस करोगे, और जैसे ही आप ए और बी को प्लस करोगे आपको मिलेगा 0.265। अब मेरा कोई एरर नहीं, तो 0.265। थर्ड एक और रीडिंग ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब वायर को क्या करूँगा, थोड़ा सा मैं दूसरी जगह से लेता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, और आपको क्या करना है, वापस से इसको घुमाना है, घुमाना है, और आवाज़ आया, देख रहे हो। और अब क्या करना है, वहीं आपको रीडिंग लेना है, सेम आपका है ये 0.2 ही आ रहा है। क्लियर, और ये मेरा कितना आ रहा है मैं देख लेता हूँ, ये इस बार 65 ही आया है, तो यहाँ पे 65, ये जीरो। अब क्या, बी इंटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट बी हमारा क्या है, ये 65 इंटू लीस्ट काउंट कितना हो, 0.001। तो ये पूरा मल्टीप्लाई करोगे लीस्ट काउंट से तो आपको मिल जाएगा 0.065, ये आपको मिल जाएगा 0.265, और ये कोई एरर नहीं है तो हमें माइनस प्लस करने की ज़रूरत नहीं, ये भी हमें वही मिल जाएगा। मीन कैसे निकालोगे बताओ, तीनों को जोड़ के क्या करोगे, तीन से डिवाइड कर दोगे। तो अभी हम लोग करेंगे, लेकिन हम पहले ग्लास प्लेट का निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं, ग्लास। तो ये देखो, ये फ्रेंड से मेरे पास ग्लास प्लेट, क्या ये मेरे पास ग्लास प्लेट। तो मुझे क्या करना है, इस ग्लास प्लेट को यहाँ पे रखना है। क्लियर, और इस ग्लास प्लेट को यहाँ पे रखने के बाद मुझे क्या करना है, ये वाला जो दिख रहा है ये इसको आपको धीरे धीरे घुमाना है। जैसे ये फिक्स हो जाएगा तुरंत आपको एक आवाज़ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलो मैं करता हूँ, और ये देखिए ये आपको एक आवाज़ मिला, इसका मतलब यहाँ पे फिक्स हो चुका है। अभी इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे जहाँ तक देख पा रहा हूँ, इसकी वैल्यू में यहाँ पे 0.1 आ रहा है। क्या आ रहा है, देख रहे हैं आप, 0.1 मेन स्केल की रीडिंग। वो जो अंदर वाला है वो मेन स्केल है, और जो लीस्ट काउंट है वो कितना आ रहा है, मतलब जो सर्कुलर स्केल में जो है, सॉरी, जो सर्कुलर स्केल में रीडिंग है वो कितना आ रहा है, 21। देख रहे हो, 20 के ऊपर क्या है, 21।
21 क्या कर रहा है, ये जीरो को बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है, क्या कर रहा है ये बिल्कुल कोइंसाइड, मतलब 21 की जो रीडिंग है ना वो मेन स्केल के जीरो वाली को ना बिल्कुल ऐसे टच करे, मान लो ये 21 है और ये मेन स्केल का जीरो वाली जो लाइन जा रही है वो उसको ना बिल्कुल ऐसे टच करता है। क्लियर, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा आ जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 21। अब बी इंटू एल सी कैसे करोगे, बी तुम्हारा ये है और एल सी क्या है लीस्ट काउंट, तो 21 इंटू 0.001 करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.021। उसके बाद ए और सी को क्या करोगे, प्लस करोगे, ये आपका ए है ये आपका सी है, ये आपका ए है ये आपका सी है, इसको प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.121। क्लियर, अब आपको क्या लिखना है 1 2 1 पूरा, अब आपको क्या लिखना है, जीरो एरर से माइनस करना है प्लस करना है, लेकिन हमारा कोई जीरो एरर नहीं, तो जो यहाँ पे रीडिंग आई वही यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और एक अब मैं एक दूसरी रीडिंग निकालता हूँ सेम ग्लास रॉड का ही, अब दूसरा रीडिंग निकालता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने इसको रखूँगा और फिक्स करूँगा, और आपको कौन सा घुमाना है फ्रेंड्स, रैचेट आपको घुमाना है अच्छे से, और जब आप इसको घुमाएंगे तो एक आपको आवाज़ आएगा खट करके, ये आपको आवाज़ मिल गया यहाँ पे। क्लियर, अब आवाज़ मिल गया तो अब आपको देखना है कि कहाँ पे ये कोइंसाइड कर रहा है, तो बिल्कुल ये सेम 0.1 पे कोइंसाइड कर रहा है, और इसका जो देख रहे हैं 0.1 पे, ये 0.1 है यहाँ पे मेन स्केल की रीडिंग, सर्कुलर स्केल की रीडिंग कहाँ है 20 पे है, वापस 21 पे है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग कहाँ पे 21 पे है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वापस से, ये क्या हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 21, 21 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.21 ही मिलेगा, ए और सी को प्लस करोगे तो 0.121 मिलेगा। क्लियर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये करेक्टेड वैल्यू हमारा कुछ है नहीं, तो सेम ही आपको लिखना है 1 to 1। और तीसरा फ्रेंड्स आपको सेम वैसे करके लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने अभी निकाला था यहाँ से तो मुझे मिल गया था ये 20, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करोगे सेम यही रीडिंग आपको दोनों को प्लस करना, तो 0.121 मिल जाएगा, और ये आपका करेक्टेड वैल्यू भी आपको सेम ही मिलेगा। अब चलते हैं मीन के तरफ, दोनों का मीन निकालेंगे। क्लियर, सो फ्रेंड्स अभी हम चलते हैं अपने मीन के तरफ, तो मीन आपको कैसे निकालना है, देख रहे हो 1 2 3 वैल्यू दिख रहे हैं, 0.255 प्लस 0.265 प्लस 0.265, आपको डिवाइड करना है 3 से। अब जब सब इसको ऐड करोगे ये तीनों को, तो आपको मिलेगा 0.785, आपको उसको 3 से डिवाइड करना, आपको मिल जाएगा 0.261, मतलब यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ जाएगी मीन की कितनी आ जाएगी 0.261। क्लियर, अब चल लेते इसका मीन निकाल लेते हैं दूसरे वाले का, ग्लास प्लेट का, तो 0.121 प्लस 0.121 प्लस 0.125, क्लियर डिवाइडेड बाय 3, ये सबको ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.367, और जैसे आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे आपको मिल जाएगा 0.122। क्लियर, तो आपका इसका मीन कितना आ जाएगा 0.122। क्लियर, मतलब ये बेसिकली आप पहले वाले की देख रहे इक्वल आ रहा है। चलो आप देखते हैं कैलकुलेशन, मीन डायमीटर ऑफ द वायर, तो ये बेसिकली आपका डायमीटर है 0.261 मीन जो आपका निकला, तो 261। क्लियर, रेडियस ऑफ दी वायर आपको डी से टू, मतलब इसको 2 से डिवाइड करना है ये वाले को, तो जैसे आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे आपको मिल जाएगा 0.1305। आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 इंटू, आर क्या होता है यही है 0.135 इंटू 0.1305, ये पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.0551। क्लियर, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट पूछा है, तो यही है आपका 0.122 सेंटीमीटर। रिजल्ट में भी आपको वही लिखना है, डायमीटर आप यहाँ से ले सकते हैं, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन आपको मिला 0.0551। क्लियर, थिकनेस ऑफ द ग्लास मीटर आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब देखिए आपको एक प्रिकॉशन में बता देता हूँ कि आप ना जो रैचेट है इसको ना आपको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो ये पूरा गेज है वो पूरा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, आपका ये स्क्रू गेज पूरा ख़राब हो जाएगा और ये आपका एरर बताने लगेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एरर का आपको बताया था। क्लियर है, और डू नॉट अप्लाई द प्रेशर ऑन द स्क्रू गेज, आपके ऊपर इसके ऊपर ज़रा भी प्रेशर नहीं अप्लाई करना है। दूसरी चीज़ आपको ना इसको कभी नहीं घुमाना है, आपको ना हमेशा इसको प्रेस करना रहता है। क्लियर, प्रेस करना रहता है, ठीक है। सो आप लोगों ने देखा है कि यूज़ ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज, मैंने पूरा सोल्यूशन आपको दिया है और ये बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है। सो फ्रेंड्स ऐसे अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको डे टू डे फिजिक्स और केमिस्ट्री के ना फ्रेंड्स, इसमें मैंने सारी वीडियोस अपलोड किए, आप जाके उसको चेकआउट कीजिए, देखिए, और जो भी आपको वीडियो अच्छे लगे उसको शेयर कीजिए। एक और मेरा चैनल केमिस्ट्री तड़का, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।